ऐ ना खुदा, ये कौन सा जजीरा है जहां ना पेड़ है ना पौधे, ना चिड़िया है ना कोई जानवर, कहीं कोई जिंदगी दिखाई नहीं देती। मैं भी पहली बार इस जजीरे को देख रहा हूँ। मैं भी हैरान हुआ है अमीर सिंदबाद कि अपनी 40 साल की समंदर की जिंदगी में ये जजीरा मैंने पहले कभी नहीं देखा। खैर लाओ मुझे मश्क दो, मैं जरा पानी तलाश कर रहा हूं। सिंदबाद, अरे अल्लाह के बंदे सिंदबाद, उठ उठ सिंदबाद, उठ दुनिया के दुखी लाचारों की मदद करने वाला सिंदबाद, आज तू खुद अपनी मदद का मोहताज है। अल्लाह की ताकत पर भरोसा रख और अपनी मदद आप कर। उठ सिंदबाद, उठ उठ सिंदबाद। पाकीज़ा रूह, शमशीर सुलेमानी के वारिस अमीर, मेरे हाथ पांव जवाब दे चुके हैं, मेरी हिम्मत टूट चुकी है। अपनी टूटी हुई हिम्मत और बिखरी हुई ताकत को इकट्ठा कर और उठ जा, उठ सिंदबाद, उठ। Oh,
उठ सिंदबाद, जिंदगी की आखिरी सांस तक, आखिरी पल तक जीने की कोशिश कर। जीने की कोशिश करेगा, हालात से लड़ेगा तो बच जाएगा। अल्लाह के रहम और करम से मायूस ना हो, उठ जा, देख जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है, तुझे पुकार रही है, तुझे पुकार रही है, उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो उठ, उठ, हिम्मत ना हार, उठ सिंदबाद, उठ, उठ, उठ जा। मेरे मोहसिन, है वली सिफत अमीर की नेक रूह, तूने मेरे मुर्दा जिस्म में एक नई रूह फूंक दी। अब मैं पूरे से पूरे हालात में भी बुराई से लड़ूंगा और जीतूंगा। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। रंगीन मछलियां हैं, बहुत भूख लगी है, अब मैं इन्हें आग में भूनकर अपने पेट की आग बुझाऊंगा। हमें छोड़ दे इंसान, हमें छोड़ दे, हमें ना खाना है इंसान, हमें ना खाना, ना खाना हमें। कैसे बनी? बड़ी दर्द भरी दास्तान है हमारी। नहीं नहीं ना, रो नहीं,
रो नहीं है माहिनुमा इंसान, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मुझे ये बताओ, तुम्हें इंसान से मछली के जालिम ने बनाया? शैतान की बेटी, खबीसों की खाला, जादूगर भगवान की महबूबा, इस जजीरा मरजान की मलिका, जादूगरनी अस्पेला ने। क्यों? हमारे शहजादे की गलती से। कहाँ है तुम्हारा शहजादा? वो जादूगरनी की कैद में है। खुदा के लिए उसे कैद से आजाद करा दो। वो आजाद हो जाएगा तो हम भी इंसान बन जाएंगे। इस बेजान उजाड़ जजीरे में फिर से जान आ जाएगी। ये जो काले काले पहाड़ नजर आते हैं, ये सब आलिशान महल थे। जादूगरनी ने ये महल और मोहल्लों को पत्थर, तालाब और समुंदर बना दिया और यहाँ के सब रहने वालों को मछलियां बनाकर पानी में कैद कर दिया। क्यों किया ऐसा उसने? अपनी मौत के डर से। इस आबाद, हरी भरी, खुशहाल जमीन को उजाड़ और डरावना इसलिए बना दिया ताकि कोई रूहानी आमिल इंसान या फकीर दरवेश, पीर कामिल या कोई बहादुर अल्लाह का नेक बंदा उस जादूगरनी तक ना पहुंच सके। अगर पहुंच गया तो वो उस जादूगरनी को मार डालेगा। ऐ फरिश्ता सीरत इंसान, इस मजलूम दर्द और गम से कराहती हुई जख्मी जमीन को उस जालिम के जुल्म से छुटकारा दिला दे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला, मैं इस बेबस तड़पती हुई जमीन को उस जालिम के पंजे से जरूर आजाद कराऊंगा। यह मेरा इंसानी फर्ज है। लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि उस जालिम ने तुम्हारे शहजादे को कहां कैद कर रखा है? वो जगह है। खामोश, खबरदार, ऐ इंसान कैदी मछलियों, मैं दारोगा जिंदान तुम्हें हुक्म देता हूं कि वो जगह न बताना। और तुमने इस इंसान को इस जजीरे का राज बता दिया, इसलिए मैं तुम्हें सजा दूंगा। नहीं। शैतानी कुत्ते, अब मैं तुझे सजा दूंगा। तूने इन मासूम इंसानों को जला डाला, अब मैं तेरा याग उगलता हुआ मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। Oh!
पहलवान, पहलवान ये क्या है? ताजुब है, तुम्हारे कारखाने के निगेबान दारोगा संतान का ये अंजाम। बता बता कौन है वो जिसने तेरा सर काट डाला? खुदा का बंदा है वो, और हमारा खुदा शैतान का दुश्मन है वो। मुखबिर जहानुमा, ऐ जमीन और आसमान की खबर रखने वाले आईनाए जहानुमा, बता बता कौन है वो? बता कौन है वो? ये देख, ये है वो, ये हमारी मौत चली आ रही है अजबेला। मौत? हमारी मौत? क्या नाम है हमारी मौत का? सिंधबाद। सिंधबाद? सिंधबाद, ये क्या मुकाबला करेगा हमसे? हूँ मुकाबले की बहुत ताकत है इसमें। देख तकदीर क्या कहती है, ये देख, आसमान पर टूटते हुए, रोते हुए, गिरते हुए हमारी तकदीरों के सितारे यही कहते हैं कि हमें सिंधबाद से अपने आप को बचाना होगा। क्यों बचाना होगा? क्या क्या वो भी हमारी तरह जादूगर है? नहीं, उसके पास फौज है, बहुत बड़ी फौज, एक अजीबोगरीब फौज। ऐसी कौन सी फौज है उसके पास? क्या कोहकाफ, परिस्तानी, सनसानी, कंधार की फौज है उसके पास? नहीं, उसके पास आदमियों की नहीं, दुआओं की फौज है, उसके माँ बाप की दुआएं, भूखे नंगे गरीब और लाचारों की दुआएं, जो हर मुश्किल में, हर बुराई में, हर लड़ाई में उसके काम आती हैं, उसे बचाती हैं। देखो, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी किस्मत के सितारे कह रहे हैं। अल्लाह का पाक कलाम भी उसके दिल में है, उसकी जबान पर है। ये क्या, ये क्या, ये भी है उसके पास? क्या हुआ बताओ भगवान, चुप क्यों हो गए? बताओ ना, क्या है उसके पास? वो है शमशीर सुलेमानी। देख, शमशीर सुलेमानी, ये तलवार तो बेशुमार रूहानी ताकतों की कभी ना हारने वाली तलवार है बरगवान। और इसी तलवार से हम दोनों की मौत होगी। हमारी मौत? हमारी मौत तो तब होगी जब हम दोनों को एक साथ मार दिया जाएगा। अलग अलग मारने से हम दोनों में से कोई नहीं मर सकेगा। यहां तक कि अगर ये तलवारी सुलेमानी भी हमें अलग अलग मारना चाहे तो हमें नहीं मार सकती मेरे महबूब। बशर्ते हम दोनों इस महीने की चांद रात तक जिंदा रहे। हाँ। तो फिर हम दोनों हजारों साल तक जिंदा रह सकेंगे। हाँ। फिर मौत हमारी गुलाम होगी और हम हम हमेशा हमेशा के लिए शैतान की औलाद बनकर जिंदा रहेंगे। पर मेरे हमराज, मेरे महबूब, चांद रात तक तो हमें सिंधबाद और तलवारी सुलेमानी से बचना होगा ना, वरना तलवारी सुलेमानी शहजादा गुलफाम की वीरान सल्तनत को फिर से आबाद कर देगी, उसे हरा भरा कर देगी। सच कहा तुमने मेरी हसीन महबूबा अजबेला, लेकिन जरा ये तो सोचो कि अब चांद रात में सिर्फ चार रोज बाकी रह गए हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो मेरे महबूब, मेरे दिल पर, मेरे हमराज, आओ। खन्नास, खन्नास, मेरे महबूब,
मेरी शैतानी खुदाई और मेरी इब्लीसी सल्तनत को मिटाने एक खुदा का बंदा आ रहा है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर तुझे नेसुला बूझ कर देगा। बचा अपने आप को, बचा मेरी ताकत को, भेज अपना मुहाफिज और उसे सफे हस्ती से मिटा दे।